दोस्तों, वैसे तो भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक सैनिक हैं, लेकिन आज हम इन सब के विपरीत एक ऐसे सैनिक की कहानी बताने जा रहे हैं जो सिक्किम में भारत चीन सीमा पर शहीद होने के 49 साल बाद भी सरहद की रक्षा कर रहा है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन आर्मी के साथ साथ यहाँ के लोगों का भी ऐसा ही कुछ माहौल, और दूर दूर से लोग उनकी पूजा करने आते हैं। यही नहीं, इस सैनिक ने मरने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी। फिलहाल ये सैनिक अब रिटायर हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं उस जाबाज सैनिक की कहानी। भारत चीन सीमा की कठोर ऊंचाइयों पर भारतीय सेना बेफिक्री के साथ तैनात रहती है। चीन की चतुराई के बावजूद सैनिक सरहद की सुरक्षा को लेकर हमेशा आश्वस्त रहते हैं। लाख मुश्किलें आए, लेकिन यहाँ कोई भारतीय सेना का बाल बीमा का नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सैकड़ों जाबाज सैनिकों के साथ एक ऐसा सैनिक भी तैनात है जो दिखता नहीं है पर मौजूद जरूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की। हरभजन का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरनवाला में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। सेना के मुताबिक हरभजन सिंह 1966 में पंजाब रेजिमेंट में एक आम सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे। कुछ समय बाद उनकी तैनाती नाथुला में हुई और वहीं एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है यह हादसा तब हुआ जब वो घोड़ों के काफिले को तुकुला से दांगचुइला ले जा रहे थे। तभी वो वहां से फिसल कर एक नाले में गिर पड़े। पानी की तेज धारा में उनका शरीर बहकर घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। सेना को लगा कि हरभजन अपनी ड्यूटी से बचने के लिए भाग गए, लेकिन कुछ समय बाद एक रात वो अपने साथी के सपने में आए और उन्होंने अपने उस साथी को बताया कि उनका शरीर कहाँ पड़ा। सुबह होते ही जब सैनिकों ने तलाश की तो हरभजन सिंह का शव और राइफल वहीं से बरामद हुए जहां उन्होंने सपने में बताया। सेना से हरभजन सिंह को भगोड़ा मानने की गलती हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी इस भूल का सुधार किया और उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। कुछ समय बाद ही हरभजन अपनी टुकड़ी के एक सैनिक के सपने में फिर से आ गए। शुरुआत में तो सपने की बात को वहम मानकर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में साथी सैनिकों के साथ कुछ ऐसा होने लगा जो बहुत अजीब था और उन्होंने कहा कि उनका शरीर गया लेकिन उनकी आत्मा ऑन ड्यूटी ही रही। जैसे अगर किसी सैनिक से कोई गलती होने वाली होती या कोई विपदा आने वाली होती तो बाबा सपने में आकर सैनिकों को पहले से आगाह कर देते। सिक्किम के सैनिकों का ये भी मानना था कि वहाँ की भयंकर ठंड में भी किसी को ठंड नहीं लग सकती थी। वहाँ के सैनिकों को हमेशा ऐसा एहसास होता था जैसे कोई उनके साथ हो। रोचक बात तो ये है कि ऐसा नहीं था कि भारतीय सैनिकों को ही हरभजन सिंह के होने का एहसास होता था, चीन के सैनिक भी इस बात को मानते थे। चीन के कई सैनिकों ने भारतीय अधिकारियों से कहा था कि आपका एक सैनिक यहाँ घोड़े पर घूमता है, उसे आप वापस बुला लें। जब ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने इस बात की तहकीकात की और इसके बाद ही मान लिया गया कि बर्फीले तूफानों के बीच जब सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे हैं तब एक ऐसा सिपाही भी उनके बीच मौजूद है जो दिखाई नहीं देता। सेना ने उन्हें ऑन ड्यूटी पर मुस्तैद सिपाही का दर्जा दिया। जो जो सुविधाएं एक आम सैनिक को दी जाती थी वो उन्हें भी दी जाने लगी। हर महीने तनख्वाह, छुट्टी, प्रमोशन भी दिया गया। बाबा के मंदिर का जिम्मा सेना ने अपने हाथों में लिया। उन्हें बाकी सैनिकों की तरह समय समय पर खाना दिया जाता है और रात होने पर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते। कई बार तो ऐसा हुआ जब सुबह मंदिर के दरवाजे खोले जाते तो उनके बिस्तर पर सिलवटे पाई जाती, उनके जूतों में मिट्टी भी लगी होती। भारतीय सेना बाबा हरभजन सिंह को भारत चीन के बीच होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में शामिल करती। उनकी एक कुर्सी हमेशा खाली रखी जाती, यहाँ तक कि बाबा हरभजन को छुट्टी में गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में स्पेशल उनकी एक सीट बुक की जाती और 3 सैनिक उनका सामान लेकर उनके साथ जाते, और आखिरकार 2006 में बाबा को रिटायर कर दिया गया। उसके बाद कहा गया बाबा यहीं बनकर में रहते और देश की सुरक्षा करते। दोस्तों, भारतीय सैनिकों में बाबा हरभजन से काफ़ी आस्था जुड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार से जुड़ना ना भूलें। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।